हरे कृष्ण। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है भक्तों द्वारा कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप में रुचि कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से पता पड़ता है कि आप अपनी साधना के प्रति सीरियस हैं। आप और अच्छी साधना करके और अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब इसमें दो पहलू होते हैं। एक तो हमारा मन जो हमें जप नहीं करने देता, दूसरा हम स्वयं जब हम मोबाइल में लग जाते हैं जप करते समय, इधर उधर देखने लग जाते हैं, दूसरे भक्तों के साथ बात करने लग जाते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से भगवद गीता में कि भगवान जो मन जो है बहुत चंचल है, भाग जाता है। भगवान कहते हैं मैं समझता हूँ अर्जुन कि मन चंचल है, भाग जाता है, लेकिन जब जब भागे तब तब उसको वहां से पकड़ के लाओ। अब लाना कैसे है? ऐसा तो नहीं है ना कि हम मंदिर में जप कर रहे हैं और मन बाहर भाग जाता है तो हम भी बाहर भाग जाएं। कई बार आपने देखा होगा आपको नींद नहीं आती है फिर भी आप खड़े हो जाते हो, चलना चालू कर देते हो जप में। तो मन को ढूंढने के लिए मत जाइए। जैसे एक सांप को सपेरा मंत्र से कंट्रोल करता है, वैसे ही जब आप जप करते हैं तो अपने आप ये महामंत्र जो है इसको मन को लेके आता है। जब आप हम लोग जप करते हैं हरे कृष्णा, तो हमारा काम है ध्यानपूर्वक सुनना। प्रभुपाद ने कहा है ध्यानपूर्वक जप करना। ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब क्या होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का तो हमारे कान में जाना चाहिए, इस कर्ण द्वार से वो हृदय में पहुंचता है, तब हृदय शुद्ध होता है। नाम हृदय में नहीं पहुंचेगा तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? तो इसीलिए हमको ध्यान से सुनना है। जब ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे भगवान बोलते हैं अभ्यास से न तू कौन ते या वैराग्य च गृहते। अभ्यास करना पड़ेगा इसको बार बार, तब जाके वो अंदर जाएगा और हृदय में पहुंचेगा, तो आपका हृदय शुद्ध होना चालू होगा। दूसरा, कम से कम तब तक जब तक रुचि नहीं बढ़ जाती, हम अपना हरे कृष्ण जप करते वक्त मोबाइल को तो साइड में रखें। जब हम अपने 16 माला जप करने बैठते हैं तो मोबाइल को साथ में क्यों लेकर बैठते हैं? और कभी मोबाइल नहीं काम आता है, यानी कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, तो हम किसी को कॉल कर लेते हैं। बहुत देर से कोई दूसरा भक्त आपके पास बात करने नहीं आया तो आप पहुँच जाते हैं बात करने के लिए। ये तो कंट्रोल कर सकते हैं, सूक्ष्म चीज़ें नहीं तो स्थूल तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथों को, अपने आँखों को। और हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण में जीवा को लगाइए, बस बात करने में एटलीस्ट उस 2 घंटे के लिए। एक नवविवाहिता पति पत्नी, वो जब साथ में रहते हैं, पहले तो नहीं जानते थे ना एक दूसरे को, लेकिन वो साथ में रहते हैं, समय बिताते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम। क्वांटिटी टाइम मतलब ज़्यादा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तो संबंध बनता है, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। और क्वालिटी टाइम मतलब कई बार स्टूडेंट होता है, क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन ये वहाँ पे नहीं रहता, ये बैठा है उसका शरीर लेकिन मन भाग गया। तो वैसे ही क्वालिटी टाइम मतलब जब आप जिसके साथ बैठे हो आपका ध्यान भी वहीं पर होना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब उसके साथ बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा कि कोई किसी से आप मिलने पहुंचे और वो आपके सामने बैठा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं उसका मन यहाँ नहीं है, उसका चेतना कहीं और है, वो वहाँ पे नहीं है। आपको पता है ये रासलीला, भगवान ने अपने आप को लाखों लाखों रूपों में विस्तृत किया। क्यों भगवान ने इतने रूप में अपने आप को क्यों बनाया? क्योंकि ये जो भगवान के भक्त हैं, ये परम भक्त जो हैं, इन्होंने अपना क्वालिटी टाइम कृष्ण को दिया। ये सेवा करते हैं, साधना सेवा, जब हम पूरा क्वालिटी देते हैं, पूरा ध्यान हम भगवान को देते हैं, तब भगवान हमारे पास आते हैं। अभी कोई कहेगा कि मैं तो ध्यानपूर्वक जप करूं, लेकिन नाम प्रभु को भी तो कुछ करना चाहिए ना, पहले मैं क्यों करूं? तो आपको एक खबर बता दे कि पहले आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो नाम प्रभु पहले आए हैं। गोलो केरे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण नाम के रूप में, कलिकाले नाम रूपे
कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण नाम के रूप में गोलोक वृंदावन से यहाँ पे आए हैं। इतना कृपा है प्रभु का हमारे ऊपर। अब हमको क्या करना है? सिर्फ उच्चारण करना और उस समय जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी से बात करना, इधर उधर देखना, मोबाइल पे बात करना, अखबार पढ़ना, गाड़ी चलाना, इनको दूर रखें। एटलीस्ट 2 घंटे का उस 16 माला जप हम ध्यानपूर्वक करें। आप देखेंगे कि जब आप ये करेंगे तो कृष्ण आपसे कितना प्रसन्न हो जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्, कि जैसे जैसे आप भाव दिखाओगे वैसा मैं आपके साथ परस्पर संबंध बनाऊंगा। तो जब हम शरणागत होंगे तब भगवान भी हमारे पास आएंगे। और ऐसा करते करते, अभ्यास करते करते, धीरे धीरे हमारा नाम में इतना रुचि बढ़ जाएगा कि कभी भी कहीं भी किसी समय भी हम नाम जप करने बैठ सकते हैं। और जब नाम जप करेंगे तो हमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हमारा नाम जो जप होगा वो यहाँ कान से जाके हृदय में बैठेगा, और तब आपको इस नाम में रुचि आएगी, तब नाम जप करने में आनंद आएगा और आप धीरे धीरे भगवान की प्रेम भक्ति की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।